हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे घर पे भी पापा आ रहे हैं, तो मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। अब पापा के लिए थोड़ा सा भोग बनाऊंगी, फिर उनको लेके आऊँगी, लाइक सुबह का नाश्ता बनाऊंगी उनके लिए, फिर उनको लेके आएंगे। मंडप वगैरह सज गया है, मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। जल्दी से मैं अभी बनाने वाली हूँ लूची और आलू की सब्जी, और रसगुल्ला मैंने बना के रख दिया, तो वही होगा सुबह का ब्रेकफास्ट पप्पा का। तो चलिए जल्दी से बनाती हूँ। मैदा वगैरह मैंने गूंद के रख दिया है और आलू भी चॉप वगैरह कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ गार्डन से थोड़ा करी पत्ता निकाल के फिर आलू की सब्जी बनाती है भी कि नहीं। हाँ है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, माता जाकी। ये देखिए हमारे घर के पप्पा, और वो है छोटे सिल्वर का, हम लेके आए थे गणपति जी। दोनों को हमने बिठा दिया है और अभी मैं इनके लिए नाश्ता लाने जाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए भगवान का प्रसाद मैं लेके आ गई हूँ, तो इन लोगों ने अपने प्लेट में डाल भी लिया है और खाना भी शुरू कर दिया है। तो मैंने रसगुल्ला बनाया और ये लड्डू, ये मोदक मैंने नहीं बनाया, मैं लेके आई थी लूची और आलू की पतली वाली सब्जी, और एक स्वीट भी था वो जाना खा रही है। ये देखिए पेड़ा था तो खा रही है। अभी मैं उनको शाम को देने के लिए ना मैं थोड़ा सा नीमकी बना रही हूँ, और उसके बाद मैं लंच भी बनाऊंगी। ये थोड़ा बहुत मेरा हो गया है चावल, और फिर बैंगन फ्राई, और ये लौकी का एक सब्जी है बंगाली स्पेशल, ये भिंडी और पोस्तो और टमाटर डाल के एक सब्जी, और ये पनीर, पनीर मसाला क्या बोलूँ, हाँ वाइट ग्रेवी में ऐसा कुछ बनाया, और रसगुल्ला है मीठा में, तो देते हैं प्रभु को। अभी 2:45 हो रहे हैं, तो 2:30 बजे आना था पंडित जी को, तो अभी तक आए नहीं है। हालांकि मिठुन और जैना गए हैं मंदिर में उन्हें लेने, और मैं तो जैसे तैसे भोग लगा के फिर भाग, थोड़ा सा साफ वगैरह किया किचन, और भाग भाग के रेडी होके आई हूँ। मतलब जो भागा दौड़ी मुझे हुई है, 5 मिनट में जैसे तैसे सारी लपेट के मैं आ गई हूँ। ढंग से प्लीट्स वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, मुझे लगा कि कहीं वो लोग आ ना जाए और मैं रेडी ना हूँ, तो इसीलिए ये आज मैंने काथा स्टिच का साड़ी वो पहन लिया है। ये बहुत लाइट वेट है, और मैंने सोचा हवन करूँगी, हवन पे बैठूँगी मैं, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया कपड़ा ही पहन लेती हूँ। कुर्ती वगैरह सच मेरे पास कोई नया नहीं है, सब पुराना है, लाइक पहना हुआ पुराना, एज इन इस बार जो मैं लेके आई हूँ वो भी मैंने पहन लिया है बहुत बारी। ये साड़ी लाइट वेट है और इसको मैंने आज तक नहीं पहना, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो वैसे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, मेरे नेबर्स जो हैं उनकी दोनों की मम्मियाँ आई हुई है,
उन लोगों को बुलाया और एक अंकल आंटी हैं उन लोगों को बुलाया बस। और सबके घर में मैं सोच रही हूँ प्रसाद भेज दूंगी मिठुन के हाथों, तो बस वही है। और मिठुन ने भी आज तो छुट्टी ली है, कल परसों वो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, तो अच्छा ही हुआ है। और जैना को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, बट कल से मैं स्कूल भेजूंगी उसे, और उसको तो अच्छा ही लग रहा है इंडियन वेयर पहन के, वो खुश है। और मैं जो भी बना रही हूँ वो आके बोल रही है आज उसको पता नहीं क्या हुआ, कैन आई टेस्ट, और भगवान को देने से पहले वो टेस्ट भी कर रही है। अब बच्चों का क्या कर सकते, बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो वही है। और आप लोग बताना आप लोगों का गणेश चतुर्थी कैसा जा रहा है, कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, घर पे कर रहे हो कि नहीं, या फिर पैंडल्स में जा रहे हो, डू शेयर विथ मी। तो अभी मैं जब तक वो लोग आते हैं थोड़ा बैठ के रेस्ट ही कर लेती हूँ। वैसे आज तो मैंने फास्ट रखा है, लाइक पानी भी नहीं पिया, हवन हो जाने के बाद फिर पानी वानी पीऊँगी, खाना खाऊंगी। तो वही है, थोड़ा कमर में ना दर्द हो रहा है। एनीवे अभी मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, जब वो लोग आएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ हवन। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। ओम नर्मदे हर ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः सर्वोपचार्य नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। वौसुबुद्धि दुर्वांकुरान समर्पयामि। अभी आपको उसको श्रेष्ठ जाना है। पूजयामि वि श्री ओम विघ्नराजाय नमः जानू ने पूजयामि। ओम आकुवाहनाय नमः उरुम पूजयामि। ओम हिरंबाय नमः कटिम पूजयामि। ओम कामारी सुनवे नमः नाभिम पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः उदरम पूजयामि। ओम गौरी सुताय नमः स्तनम पूजयामि। ओम गज गणेश जी को नीचे जो आसन है प्लेट निकाल के आसन के साथ हरि ओम श्रीमन महागणाधिपति महासर्वोपचार्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्करोमि अथ श्रीपीठे निधाय दीर्घवाद्रंथो भ्रंथो नमनम्याहम दीर्घवास्तु ओम दीर्घानागान दीर्घवाद्रंथो नमनम्याहम। दे पान्यम सौरभ्याम मध्यात्म जलम सौरभ्याम
ओम क्षण विरम्य पुनः, ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, परब्रह्मणे परमात्मने नमः। माता जाती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार पूजादारी, एक दंत दयावंत चार पूजादारी। जानामि क्षमस्व परमेश्वर, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्यो भवतो दर्शनात्, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरस्व। तो हमारा पूजा संपन्न हो गया, तो मैंने प्रसाद दिया पंडित जी को और चाय वगैरह बना के दिया, तो अभी मिठुन गए हैं उनको ड्रॉप करने वापस, और बहुत अच्छे से पूजा हो गई, और पूजा हो गई और घर पे ना पूरा अच्छा सा एक खुशबू हो रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए जाना वेट, यहाँ पे वैसे तो हर एक रूम पे फायर अलार्म होता है, तो अब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर तक तो मतलब क्या बताओ, जो अग्नि होता है वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो छोटा मोटा हवन ही होता है, बट बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशबू होती है घर पे, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स रिकॉर्ड किया, बट ज्यादा मैं पूजा ही ज्यादा कर रही थी, उसी पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी, तो एनीवे बहुत अच्छा लगा मुझे। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11 और अभी सब लोग गए हैं डिनर वगैरह करके, लाइक भोग प्रसाद। वेट, Now it's night time and Ganeshi wants to be like this. We're gonna put the water. भोग प्रसाद खा के सब लोग घर गए और प्रसाद इतना अच्छा बना था, प्रसाद वैसे ही अच्छा बनता है, तो बहुत अच्छा बना था। तो ये अभी बप्पा को दिखा के मैं आज वीडियो खत्म करूंगी। ये है हमारे बप्पा, अभी हम लोग जाएंगे सोने, तो आज का वीडियो मैं यही पे करती हूँ खत्म। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।